हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? बहुत बढ़िया होंगे। आज दोस्तों कक्षा 12 में हम पहली बार किताब का कोई लेसन चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूनिट नंबर 2, जो है हमारा अनफॉरगेटेबल वॉल्ट डिज्नी। दोस्तों यूनिट 2 के अंदर ये रीड 1 है, हर पाठ में दो दो रीड है, उसमें रीड 1 है ये अनफॉरगेटेबल वॉल्ट डिज्नी। दोस्तों शायद मेरे और आप में से कोई ऐसा ही कोई बच्चा होगा जिसने कभी डिज्नी के बारे में नहीं सुना हो। खिल्ले में कुछ नहीं तो डिज्नी नाम की चैनल आती है, आपने देखा होगा उस पर मिक्की माउस आते हैं। वह डिज्नी जो है बेटा, ये मिक्की माउस, ये सब इसी पाठ की देन है। आज हम इसी के बारे में हम सीखना चाहेंगे दोस्तों। तो यहाँ लेखक के भाई ने इसकी कहानी पूरी पूरी लिखी हुई है, लेसन उनके द्वारा लिखा गया है। इसकी दोस्तों समझ में आपको ऊपरी ज्ञान आज दे रहा हूँ केवल, जिसको आप 100% ध्यान से सीखेंगे। तो दोस्तों सिंस चाइल्डहुड वर्ल्ड वॉज वेरी क्रिएटिव। दोस्तों बचपन से कहानी सुना रहा हूँ, कहानी आपको समझनी है, कहानी दिमाग में बैठ गई आपको पाठ समझ जरूर आएगा। दोस्तों बचपन से ही जो था हमारा वॉल्ट एक बहुत ही क्रिएटिव आदमी था। क्रिएटिव यानी दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा कलाकार, यानी कुछ न कुछ नया नया बनाने वाला। दोस्तों पहले पाठ का नाम से आपको समझा दूँ, अनफॉरगेटेबल न भूलने वाला वॉल्ट डिज्नी, यानी अविस्मरणीय व्यक्ति वॉल्ट डिज्नी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आपने जाना कि चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही वॉल्ट वॉज वेरी क्रिएटिव, वॉल्ट एक बहुत ही क्रिएटिव बच्चा था। ही स्टडीड कार्टूनिंग इन शिकागो। दोस्तों उसने जो कार्टूनिंग थी वो शिकागो में सीखी। आप समझ लीजिए कार्टून बनाना उसने शिकागो में सीखा। आपको मालूम है, आप खुद ही कार्टून हो इसलिए क्या ज़्यादा बताऊं, लेकिन पहले के समय में कार्टून का इतना ज़्यादा महत्व नहीं था। फिर भी सोचिए आज से लगभग ज़्यादा नहीं तो 70 साल पहले उस बच्चे ने कार्टून नाम की वस्तु, तो 70 भी नहीं बोलूँगा, 90 साल पहले कार्टूनिंग सीखी शिकागो में। यानी दोस्तों कितना ज़्यादा क्रिएटिव होगा कि हमेशा रचना इसके दिमाग में चलती होगी, इसलिए उस उम्र पर उसने बचपन में कार्टूनिंग पूरी की। फिर दोस्तों उसके बाद में कार्टूनिंग सी की, वहाँ पर उसने जब ये देखा कि भाई मेरे को कार्टूनिंग आती है, तो स्टार्टेड है लिटल एनिमेटेड कंपनी। लिटल एनिमेटेड कंपनी यानी दोस्तों एक छोटी सी एनिमेटेड कंपनी, यानी दोस्तों कार्टून के ऊपर से कंपनी बनाई उसने, लेकिन विच वॉज फ्लॉप्ड, जो आगे जाकर उसकी पूरी की पूरी फ्लॉप हो गई। अब उसने सोचा कि चला यहाँ पर अपने काम चालू किया, कार्टूनिंग सीखा और बाद में काम चालू किया, लेकिन फ्लॉप हो गया। अब तुम्हारे मेरे जैसे तो पढ़ने के बाद बोले अब नहीं काम चला, चलो लारी लगा लेते हैं। उसने ऐसा नहीं सोचा दोस्तों, वो गया अपने अंकल के पास एंड बोरोड सम पाउंड्स, अपने अंकल से कुछ पैसे लिए एंड एट द एज ऑफ 21। दोस्तों एज ऑफ 21, 21 साल की उम्र पर ही वेंट टू लॉस एंजलस। दोस्तों लॉस एंजलस में 21 साल की उम्र पर वो चले गया। उसने बोला कि भाई अब मुझे केवल यहाँ पर काम नहीं है, हॉलीवुड के अंदर लॉस एंजलस है, वहाँ पर वो 21 साल की उम्र में गया, लेकिन जाने के लिए इसके पास पूरे पैसे नहीं थे, तो इसने अपने अंकल से थोड़े पैसे लिए और बाद में जाकर लॉस एंजलस के अंदर हॉलीवुड में आया हुआ है। वहाँ जाकर उसने ट्राइड हिज लक टू ट्राई टेक इन हॉलीवुड, हॉलीवुड जाने का निश्चित किया और लॉस एंजलस पहुँचा। लॉस एंजलस जाकर दोस्तों उसने सबसे पहले अपनी एक सीरीज बनाई जिसका नाम था एलिस इन कार्टून लैंड। ये इसने अपनी ज़िंदगी की पहली सीरीज बनाई, एलिस इन कार्टून लैंड फर्स्ट सीरीज थी ये उसने बनाई, लेकिन इट डिड नॉट मेक मनी, उसने पैसे नहीं बना पाई। दोस्तों फिर से कंपनी फ्लॉप हो गई। यानी वहाँ जाकर गया लॉस एंजलस, जाके एक सीरीज़ बनाई, उसने सोचा यहाँ तो चलेगी, यहाँ पर भी फ्लॉप हो गई। यानी ज़िंदगी में पहली बार निराशा मिली, दूसरी बार निराशा मिली। फिर उसने अपनी एक और नवी एक और सीरीज़ बनाई जिसका नाम था ऑसवर्ल्ड द रैबिट। दोस्तों ऑसवर्ल्ड द रैबिट नाम की उसने एक दूसरी सीरीज़ बनाई, इट डिड बेटर देन द फर्स्ट। इसने दोस्तों पहली जो थी सीरीज़ इससे थोड़ा
ठीक काम किया। इसके साथ इसमें थोड़ी से खराब व्यवहार भी हो गया। जो इस सीरीज़ जो थोड़ी थोड़ी चलने लगी, अब इसके जो डायरेक्टर थे ना, उसने इसे कुछ पैसे देकर ये सीरीज़ खरीद ली और इसको बोल दिया चल भैया अब निकल। यानी दोस्तों एकदम ज़्यादा बच्चा निराश हो गया, बोले साला मेहनत मैंने की और पैसा दूसरा ले जा रहा है, फिर भी उसने उसको छोड़ दिया। लोग ज़्यादातर ज़िंदगी में इतनी हताशा देखने के बाद काम छोड़ देते, लेकिन हमारा वर्ल्ड कुछ अलग ही व्यक्ति था। उसने दोस्तों फिर से निश्चित किया कि भाई टेंशन मत लो, हम एक अपनी ज़िंदगी में एक नया मुकाम चालू कर रहे हैं और हम एक तीसरी सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है, जो कि एक माउस पर होगी, जिसका नाम होगा मिकी माउस। बड़ा मिक्की नाम के माउस पर उसने एक तीसरी सीरीज चालू की। वही मिक्की माउस जो आप देखते हैं कई सारे उसमें जाते होंगे शादियों में, तो मिक्की माउस भी वहाँ लोग बन बन के घूमते हैं और टीवी सीरियल में तो मिक्की माउस आता ही है। तो उसने निश्चित किया कि इस बार वो लोग एक रेड पर एक चूहे पर दोस्तों बनाएंगे जिसका नाम होगा मिक्की। तो मिक्की के ऊपर दोस्तों उन्होंने तीसरी सीरीज बनाई और दोस्तों तब जाके द रियल जर्नी ऑफ डिज्नीलैंड स्टार्टेड फ्रॉम हियर। यहाँ से दोस्तों इसकी ज़िंदगी का सवेरा हो गया और उसने दोस्तों खूब सारा पैसा कमाया। मिक्की गॉट सो मच रिस्पॉन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में उसके सीरीज़ की बहुत बातें होने लग गई। हर चैनल पर ही आ रहा था, हर न्यूज़ में आता था, इसकी बुक्स छपने लग गई, बच्चों को कार्टून बुक खरीदने लग गए। यानी दोस्तों इसके पास चारों बाजू से पैसा आने लगा। अब तुम और मैं तो इतना पैसा लेकर शांति से बैठ जाओ, चलो जलसा हो गया, नहीं। उसने बोला नहीं भाई, मैं तो एक डिज्नीलैंड खोलूंगा। आपको शायद मालूम हो डिज्नीलैंड आया हुआ है हांगकांग में। शायद आप भगवान करे आपकी उम्र हो और आप अपने बच्चों के साथ डिज्नीलैंड घूमने जाएं। हर किसी का सपना होता है डिज्नीलैंड जाना है। आपने देखा होगा वही डिज्नीलैंड जहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले बच्चे गए थे, वही डिज्नीलैंड दोस्तों। तो उसने स्टार्टेड डिज्नीलैंड इन जुलाई 1955 में दोस्तों उसने डिज्नीलैंड खोल दिया दोस्तों। और डिज्नीलैंड जब खुला दोस्तों, सिंस दैट फर्स्ट डे, उस पहले दिन से मिलियंस ऑफ पीपल केम टू सी द क्रिएटिव वर्ल्ड ऑफ डिज्नी। मिलियन यानी दोस्तों 10 लाख से भी ज़्यादा लोग प्रतिदिन वहाँ पर उसकी मुलाकात पे आने लगे। आप खाली समझ लीजिए, 10 लाख लोग अगर एक दिन आने लगेंगे तो एक व्यक्ति के टिकट केवल 10 रुपये भी हो तो ये दिन की इनकम कितनी बनी। दोस्तों बहुत सारा रिस्पांस मिला, मिलियंस ऑफ पीपल उसको रोज देखने आने लग गए, चारों बाजू हाहाकार मच गया कि भाई डिज्नीलैंड क्या खोला है हमारे वर्ल्ड ने, वर्ल्ड की डिज्नी यानी बहुत ही अद्भुत है। लेकिन दोस्तों ये डिज्नीलैंड खोलकर भी उसको कभी शांति नहीं मिली। उसने सोचा कोई भी मैं अगर एम्यूजमेंट पार्क खोलूँगा तो बेटा वो पहले शुरुआत में 2-5 साल चलता है, उसके बाद में लोग क्या करते हैं, अब यहाँ क्या जाने का, यहाँ तो जाके तो आए थे। जैसे आप कांकरिया जाओ, 2-3 बार जाया है साल में, फिर बोले चल कांकरिया चलते हैं, आप क्या बोलेंगे, रहन देने क्या, वही के वही क्या देखने का। नहीं, उसका ऐसा नहीं था दोस्तों। वॉल्ट वॉज ऑलवेज रेडी विथ सम न्यू आइडियाज इन हिज माइंड। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडियाज चलती रहती थी दोस्तों। आपको ये भी बता दूँ, वॉल्ट ने अपनी ज़िंदगी की पहली कमाई अपने पड़ोसी के घोड़े का चित्र बना के की थी। बचपन की उसकी बात करूँ दोस्तों, डिज्नी जो अपना वॉल्ट था, वॉल्ट जो था बड़ा उसको ट्रेन के प्रति बहुत लगाव था। आपने कभी भी अगर डिज्नी के बारे में देखा होगा तो हमेशा ट्रेन बताई होगी। क्यों? क्योंकि वॉल्ट को ट्रेन से बहुत लगाव क्यों था, उसका भी एक कारण है बड़ा, क्योंकि जो अंकल थे इसके डिज्नी के, वॉल्ट के जो अंकल थे दोस्तों, वो रेलवे में वो इंजन चलाते थे, गाड़ी चलाते थे। अब उसका जो घर था वो टनल के ठीक नीचे था, टनल यानी आप समझते शायद वो ये खाई के पास में था उसका मकान। रात को जब उसके अंकल उस खाई के पास से ट्रेन लेकर निकलते थे, तब दोस्तों हमेशा जब भी ट्रेन उससे पास होए तो उसके अंकल हमेशा 2 सीटी बजाया करते थे दोनों भाइयों के लिए, वॉल्ट और उसके भाई दोनों के लिए। तो दोस्तों इसलिए उसे बचपन से ही वो ट्रेन के बारे में बहुत ही ज़्यादा लगाव था दोस्तों। तो उसने यही सोचा कि भाई मैं मेरे डिज्नीलैंड को कभी भी पूरा नहीं होने दूंगा। उसने हमेशा ज़िंदगी में जब तक जिया तब तक डिज्नीलैंड में कुछ ना कुछ नया करते रहा। यानी
कहीं उसके दिमाग में कोई आइडिया हो ही हुए लोगों से पूछता रहा या इसमें अब ये क्या नवा करूँ कि लोगों को अच्छा लगे, लोगों को क्या करूँ कि अच्छा लगे, यानी कुछ ना कुछ हर 10 दिन 15 दिन में कुछ नया आ जाता था डिज्नीलैंड के अंदर। यानी दोस्तों आज भी डिज्नीलैंड अगर आप जाओ तो डिज्नीलैंड आप इस साल जाके और अगली साल जाओ आपको कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा ही मिलेगा। डिज्नीलैंड वो दोस्तों जब उसकी ज़िंदगी का अंतिम समय आया वो बीमार इन द माइडेस्ट ऑफ इस एक्टिविटी यानी उसकी ज़िंदगी की ये सब प्रतियाँ करते करते थोड़े समय में दोस्तों ज़िंदगी के मध्यकाल में ही बिकेम इल, वो बीमार हो गया। अब कौन सी बीमारी हुई वो तो यहाँ बताया नहीं है लेकिन जब एक बार दोस्तों उसका भाई उससे अंतिम रात्रि के पहले मिलने गया तो दोस्तों उसने बोला उसको कि भाई जो बीमारी मुझे हुई है भगवान करे वो बीमारी किसी को भी ना हो। दोस्तों जब वो उससे लास्ट टाइम मिलने गया तब भी वो मरण सैया पे पड़ा, उसको मालूम है कि उसकी मृत्यु है, तब भी उसके दिमाग में नए नए आइडिया थे, अपने भाई को बोल रहा था देख भाई ये करना ये कर ये कर ये कर। दोस्तों डिज्नीलैंड वो चले गया लेकिन इतने सारे काम छोड़ के गया है ना कि डिज्नीलैंड कभी भी पूरा हो ही नहीं सकता है। उसकी एक ही बात बोलने की थी, वो एक ही बात बोलता था कि भाई डिज्नीलैंड शुड नेवर बी फिनिश्ड एंड इट विल नॉट बी स्टॉप्ड, उसको कभी वो पूरा नहीं होगा और कभी उसे रोका भी नहीं जा सकेगा, डिज्नीलैंड बढ़ते ही रहेगा। यानी सामान्य अम्यूजमेंट पार्क जैसा नहीं है कि भाई यहाँ पर अब जाया अब दूसरी बार नहीं जाना है, वाटर पार्क अब एक दो बार जाया फिर बोले अब तो क्या जाने के बार बार थोड़ी जाएंगे, पर ऐसा नहीं होगा, डिज्नीलैंड एक ऐसी अद्भुत जगह है। तो दोस्तों ये थी कहानी हमारे वॉल्ट डिज्नी के बारे में। इसके वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के लिए मैं आपको कल एक वीडियो और परसों एक वीडियो भेजूंगा, दोनों वीडियो गुजराती में समझाए हुए हैं, आप अपनी किताब लेके बैठेंगे धीरे धीरे एक एक शब्द सीखेंगे तो बहुत अच्छा समझ आएगा। मेरे मित्र के द्वारा ही बनाए गए हैं वो दोनों वीडियो, आधे आधे घंटे के वीडियो होंगे, आप उस वीडियो को शांति से समझिएगा तो आपको लेसन का ट्रांसलेशन पूरा पूरा समझ आ जाएगा। और दोस्तों जिन बच्चों ने अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो, मैंने आपको बीच में भी कहा था सब्सक्राइब कर लेने से आपको एक ही फ़ायदा होता है कि जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा आप ग्रुप में हैं कि नहीं है आपको मेरी वीडियो देखने मिलेगी। दोस्तों थैंक यू फ्रेंड्स, अब इसी के साथ मैं अपना पाठ आज पूरा कर रहा हूँ। अगली बात दोस्तों इसमें से IMP एक निबंध बनता है माई फेवरेट कार्टून सीरियल जो बोर्ड में आ चुका है और स्कूलों में तो लगभग आता है फर्स्ट एक सेकेंड एग्जाम में। तो दोस्तों माई फेवरेट कार्टून सीरियल निबंध आपने देखेंगे अपने पैम्पलेट में, पहला ही निबंध माई फेवरेट कार्टून सीरियल है, वो जब हम मिलेंगे तब आपको उसको समझा के याद करा दूंगा, लेकिन आप पढ़ने के लिए अभी थोड़ा सा वो पढ़ सकते हैं। और दोस्तों कल इसके लेसन को समझना, और जिन बच्चों ने फीस नहीं भरी है बेटा भर दो, अन्यथा 15 तारीख से बेटा मुझे कोई तकलीफ हो जाए और आपको भी तकलीफ मेरे संग संग हो जाए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।